चैनल बाइक सेटिंग ट्रिक्स में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ओल्ड बुलेट यानी कि सीआई इंजन की कार्बोरेटर की ट्यूनिंग पे है। मैं जल्द में एक वीडियो अपलोड किया था यूसी इंजन कार्बोरेटर सेटिंग की, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी कमेंट किया मुझे कि आप सीआई इंजन पे कार्बोरेटर ट्यूनिंग की वीडियो डालिए, तो ये वीडियो आज उसी पे है। दोस्तों इस गाड़ी में एक और प्रॉब्लम है गियर न्यूट्रल की, वो मैं इस वीडियो के बाद डालूँगा, उसकी भी वीडियो में बना के इस वीडियो के बाद डालने वाला हूँ। तो दोस्तों आज आप इसमें जान लीजिए कि कार्बोरेटर की ट्यूनिंग कैसे की जाती है, इसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा के बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि यहाँ हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। और दोस्तों Instagram पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पे बहुत जल्द दे देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट हो गई, ये हम अभी इसके कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये वाले स्क्रू को नॉर्मल फोर्स देके टाइट कर देना है, ऑलरेडी ये टाइट है भी, ठीक है। और उसके बाद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैंने देखा था यूट्यूब पे एक बंदा बता रहा था कि इसे 3 से 4 चूड़ी खोलना रहता है, तो मैं आपको इसमें बता दूं कि जब इसको आप नॉर्मल फोर्स देके टाइट करेंगे तो जो इसके अंदर का गैप है वो बाकी रह जाएगा, यहाँ पर लगी हुई स्प्रिंग इसे पूरी तरीके से टाइट नहीं होने देगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से थोड़ी सी वेल्डिंग देनी है ताकि गाड़ी बंद ना हो, उसके बाद इसे कंप्लीट टाइट कर देना है ये वाले स्क्रू के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट टाइट हो गया। आप देखिए इसको खोलना कैसे है, तो यहाँ से इसे खोलेंगे, ये हाफ हो गया एक, उसके बाद दो, दो, उसके बाद तीन और एक हाफ, और अब देखे यहाँ पे वेल्डिंग बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद में इसको यहाँ से कम कर देंगे वेल्डिंग को, ओके। तो अब भी इसको हमने कितना खोला, हाफ हाफ तीन खोला तो 1.5 चूड़ी बना, और एक हाफ और खोला मतलब आधे का आधा खोला, तो ये बन गया कितना, 1.25 चूड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको गाड़ी को हम रेस करेंगे यहाँ से, तो अभी अगर इस तरीके से हम कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करेंगे 30-30 प्लस तक का माइलेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये सबसे अच्छा तरीका है इसको सेटिंग करने का कार्बोरेटर को। और ये वाले स्क्रू के बारे में मैंने जैसा बता दिया है कि थोड़ा सा फोर्स देके टाइट करना है, उसके बाद इसे नहीं छेड़ना है, ठीक है। बहुत सी गाड़ी में आप देखेंगे ये रहता ही नहीं है, सिर्फ ये वाला पाइप रहता है, और बहुत सी गाड़ी में मतलब जो है ये पाइप भी नहीं रहता और ये स्क्रू भी नहीं रहता है, तो मैन हमारा जो पॉइंट होता है वो यहाँ और यहाँ से ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब मैं इसकी स्टार्टिंग देख लेता हूँ, और इस गाड़ी में मैं एक गियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी बताऊँगा अपनी आने वाली दूसरी वीडियो में। तो अब मैं इसकी स्टार्टिंग देखता हूँ कि कैसी है, ठीक है। तो अब भी यहाँ पर रेस वेस देख के देखता हूँ, अच्छी गाड़ी मेंटेन जो है परफॉर्मेंस कर रही है और कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब इसकी स्टार्टिंग देखता हूँ, थोड़ा इसे पकड़ स्टार्ट करता हूँ गाड़ी।
वो अभी स्टार्टिंग भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस तरीके से बिल्कुल अपने जो कार्बोरेटर को ट्यून कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको माइलेज अच्छा मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज में तो है कि ये स्क्रू को कोई बोलता है कितना खोलना है या कितना नहीं खोलना है या इसको कितना खोलना है, इसमें मैंने आपको अच्छा तरीका एकदम परफेक्ट बता दी। गाड़ी का कार्बोरेटर सेटिंग में आ जाएगा तो गाड़ी देखिए किस तरीके से साइलेंट हो जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट है। देखिए एक्सीलेटर देता हूँ, देखिए कितनी साइलेंट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मिस भी नहीं करेगी और आराम से एक्सीलेटर बढ़ता रहेगा। और देखिए साइलेंट कितनी है, एकदम आराम से चल रही है, जैसा कि सुनने को भी नहीं मिल रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसमें मैंने सेटिंग आपको बताया है 1.5-2 चूड़ी तक। अब 1.5-2 का मतलब अब मैं आंकड़े साफ करूँगा तो एवरेज ख़राब हो जाएगा, इसके लिए अब जो उसकी सेटिंग है वही देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सेटिंग सबसे बेस्ट है, आप इस तरीके से करके जो है 30+ तक का माइलेज आप ले सकते हैं। और एक बार करके देखिए आपकी गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। तो ये कमाल की ट्रिक है दोस्तों। तो मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों हम अपने चैनल पर ओल्ड न्यू बुलेट से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं जल्द मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।